बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाली होगी। अच्छा, 23 सितंबर की डेट आपने सुनी होगी। 23 सितंबर का अभी सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा चर्चा चल रहा है। तो 23 सितंबर को बहुत से कानून चेंज किए जा रहे हैं, यानी कि बहुत सी शरायत हमें पहले से बता दी गई है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। और फ्लैट्स के मुतल्लिक भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं ये बता दूँ भाई, सफीर पाकिस्तान बिलाल अकबर साहब की तरफ से एक मीटिंग की गई है, जिसमें भाई डिप्टी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी मिस्टर फाहद अबू अल नासर सऊदी अरबिया के, हाँ जी, इनके साथ एक मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में दोनों ममालिक की सूरत हाल को उजागर किया गया है, यानी कि दोनों ममालिक में आपस में जो लेन देन तजारत के मामला हैं, इनके ऊपर बातचीत की गई है। इससे भी ये साफ जाहिर है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अच्छी न्यूज़ सामने आ रही हैं। और सऊदी गाका की तरफ से जो भाई मामला सामने आ रखे हैं, जो शरायत सामने अभी तक आ चुकी हैं, जो बता दी गई हैं अवाम को, जो मेरे भाई छुट्टी पर या न्यू वीज़ा पर सऊदी अरबी में आना चाहते हैं, उन तमाम बंदों के लिए, जिनमें भाई सबसे पहले तो ये रखा गया, अगर आपने वैक्सीन की एक डोज यहाँ से सऊदी अरबिया से ली थी और उसके बाद दूसरी डोज आपने पाकिस्तान में, आप छुट्टी के ऊपर चले गए तो आपको छुट्टी के ऊपर पाकिस्तान में गया वहाँ से ले ली, आपको पता ही दोनों डोज जो यहाँ से लेकर जा चुके हैं वो तो आ रखे हैं, उनके लिए तो फ्लैट्स ओपन है, ये तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो बंदे यहाँ से एक डोज लेकर गए और दूसरी डोज पाकिस्तान से लगवाई, उनके लिए ये कहा गया है कि वो भाई जब सऊदी अरबिया में जब फ्लैट्स ओपन होंगी, 23 सितंबर से मुराद ये मत सोचिएगा अभी के 23 सितंबर को फ्लैट्स ओपन हो रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ आगे वीडियो में डिटेल। जब फ्लैट्स ओपन होंगी तो सऊदी अरबिया में जब आएंगे तो उनको भाई 5 दिन का, यहाँ पर पहले 7 दिन का था, अभी 5 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। आपके पास जब सऊदी अरबिया का आप सफ़र करें, आपके पास भाई PCR टेस्ट होना चाहिए सऊदी अरबिया से, और वो 72 घंटे से लेट का नहीं होना चाहिए, यानी कि आने से चंद घंटे पहले ही करवाइएगा। उसके बाद आप सऊदी अरबिया में जब उतरेंगे उस टाइम आपका PCR टेस्ट किया जाएगा, आपको 5 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा और 5वें दिन आपका दूसरा PCR टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको सऊदी अरबिया में खुली छूट मिल जाएगी, वैक्सीन तो आप पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि सऊदी अरबिया में आप अपने काम के ऊपर जा सकेंगे, आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। हाँ, ये चीज जो है जी, मास्क इसके ऊपर खास ख्याल आपको फिर भी यहां पर भी रखना पड़ेगा। और रही बात अभी जो बंदे चाइना वैक्सीन लगवा चुके हैं, जाहिरी सी बात है आपको पता है सऊदी अरबिया में चाइना वैक्सीन काबिले कबूल नहीं की है, हाँ प्लस बूस्टर के साथ काबिले कबूल है। जो बंदे चाइना की वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं प्लस बूस्टर के साथ ही ले चुके हैं, वो जब सऊदी अरबिया का सफर करेंगे उनको भी इजाजत है। सऊदी अरबिया का सफर करेंगे तो भाई उनको भी 5 दिन क्वारंटाइन करना होगा, यही सूरत-ए-हाल उनके ऊपर होगी। आते ही एक टेस्ट होगा PCR टेस्ट, दूसरा टेस्ट भाई 5वें दिन होगा क्वारंटाइन के, 5वें दिन आखिरी दिन। उसके बाद वो बंदे भी जब उनका PCR टेस्ट क्लियर आ जाएगा तो वो सऊदी अरबिया में अपनी जॉब वगैरह के, अपने काम वगैरह के ऊपर जा सकेंगे। तो ये भाई एक टेस्ट तो आपका पहले दिन, एक टेस्ट आपका 5वें दिन, 5 दिन का कंटेंट जो 7 दिन से 5 दिन के लिए कर दिया गया है चाइना वैक्सीन वाले, चाहे वो एक डोज यहाँ से लगवा कर जा चुके हैं, चाहे वो एक डोज भाई पाकिस्तान से जाकर लगवा चुके हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इस शरायत के ऊपर, जो शरायत हमें पहले से बता दी गई है भाई, ये 23 सितंबर से इनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इन शरायत के ऊपर 23 सितंबर से इन शरायत के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। रही बात इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक, तो भाई इंटरनेशनल फ्लैट्स अभी 23 को ही बहाल होती हैं या उससे चंद दिन बहाल होती हैं, यानी कि डेट तो आपको कोई भी बंदा नहीं दे सकता है, इस चीज़ की तो आपको पता है, ये गारंटी है, आप भाइयों को भी पता है कि डेट तो भाई सीधा सीधा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगी, जब भी आएगी। कोई भी यूट्यूबर अगर आपको कोई डेट दे रहा है तो आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको आपके साथ झूठ बोल रहा है भाई। 23 सितंबर से इन शरायत के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 23 सितंबर को इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल होंगी या उससे चंद दिन बाद में होंगी, इसके मुतल्लिक अभी कोई भी किसी किस्म का फैसला नहीं किया गया है। मेरी खुद की भाई राय यह है कि 23 सितंबर या इससे चंद दिन बाद सऊदी अरबिया की इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल हो जाएंगी, जो कि इन शरायत को देख कर लग भी रहा है। तो बाकी आने वाले वक्त में इसके मुतल्लिक जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।